क्लास थर्ड सब्जेक्ट बच्चों आपका हिंदी फर्स्ट। तो इसमें देखिए आज आपका न्यू लेसन है अकल बड़ी या भैंस, अकल बड़ी या भैंस। तो पेज नंबर 75 ओपन कर लीजिए आप, पेज नंबर 75 ये है आपका चैप्टर 8 के अंदर, चैप्टर 8 में ही ये पार्ट आया है अकल बड़ी या भैंस, पेज नंबर 75। ओके तो आपने ओपन कर लिया होगा। तो एक कहानी है उसको ध्यान से सुनिएगा, अकल बड़ी या भैंस। तो अकल बड़ी होती है कि भैंस, ये आपको भी पता चल जाएगी। ओके, दिखने में तो क्या भैंस बड़ी होती है और अकल तो कहीं दिखती नहीं है, लेकिन वैसे क्या होती है, अकल बड़ी होती है। अकल क्या होती है, बड़ी होती है, और भैंस तो क्या होती है, केवल दिखने में ही बड़ी होती है। ओके, तो अकल क्या है, सबसे बड़ी है। तो इसमें क्या लिखा है, अकल बड़ी या भैंस, तो आप क्या बोलेंगे, कौन बड़ी है, अकल। ठीक है, अब देखिए कहानी की तरफ चलते हैं। आफंती के शहर में एक पहलवान भी रहता था। यहाँ पे देखो बच्चों, आफंती है ये, कौन बना है, आफंती है ये, ध्यान से देखिएगा आफंती, बहुत सुंदर कहानी है। एक दिन वो आफंती से बोला, एक दिन आफंती से बोला, कौन बोला, पहलवान। भैया तुम भले ही अकल में बड़े हो, लेकिन ताकत तो मुझ में ही अधिक है। आफंती से पहलवान क्या कह रहा है, तुम क्या हो, भले ही अकल में बड़े हो, लेकिन ताकत में मैं क्या हूँ, पहलवान हूँ। तो ताकत से ताकतवर क्या होती है बच्चों, अकल, समझ। अब आगे आए, अच्छा पर यह तो बताओ तुम्हारे अंदर कितनी ताकत है, आफंती पहलवान को पूछ रहा है कि चलो ठीक है ये, लेकिन ये तो बताओ तुम्हारे अंदर कितनी ताकत है। यहाँ पे देखिए क्या बता रहा है पहलवान, मैं 5 क्विंटल की चट्टान को सिर्फ एक हाथ से उठाकर आसमान में उछाल सकता हूँ। 5 क्विंटल के चट्टान को एक हाथ से क्या कर सकता हूँ, आसमान में उछाल सकता हूँ। अब यहाँ पे देखें, अच्छा आओ मेरे साथ, देखते हैं कौन अधिक ताकतवर है। आफंती क्या बोलते हैं, देखो यहाँ पे आफंती घोड़े में बैठा हुआ है और यहाँ पे पहलवान है, और यहाँ पे देखिए वो क्या कह रहा है, पहलवान ठीक है, क्या कह रहे हैं, ठीक है तो चलते हैं। तो आफंती ने बोला चलो मेरे साथ। तो यहाँ पे देखिए पेज नंबर 76, इसमें है यहाँ पे शहर है ये, तो ये जो सर्कल टाइप का बना है शहर के बाहरी बाउंड्री है और इसके अंदर ये शहर है। तो आफंती पहलवान को शहर की चार दीवारी के पास ले गया और बोला, ये चार दीवारी शहर की है, और क्या बोला, आफंती पहलवान को शहर की चार दीवारी के पास ले गया और बोला, किससे बोला, पहलवान से, जरा इस रुमाल को दीवार के पार फेंक कर दिखाओ। जो ये दीवार दिख रही है ना बच्चों, ये जो दीवार है शहर की चार दीवार, इसने क्या बोला, आफंती और ये पहलवान है, और ये क्या दे रहा है, इसके हाथ में रुमाल दे रहा है, तो इस रुमाल को जरा दीवार के पार फेंक के दिखाओ, दीवार थी और पहलवान को बोला। अब देखिए यहाँ पे, यह भी कोई बड़ी बात है, पहलवान क्या कह रहा है, अरे ये तो कोई बड़ी बात है क्या, ये रुमाल ही तो है, इसको तो मैं ऐसे ही चुटकी में फेंक दूँगा। अब देखिए यहाँ पे चित्र बना है, पहलवान क्या कर रहा है बच्चों, ये चार दीवारी है और उसको रुमाल को फेंक रहा है, लेकिन वो क्या है, नीचे आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए पहलवान ने रुमाल उठाकर पूरे ताकत लगाकर ज़ोर से फेंका, क्या कर रहा है वो, फेंकने पे लगा है क्या रुमाल को, लेकिन अब देखो क्या हो? लेकिन रुमाल वहीं गिर पड़ा। रुमाल क्या हो रहा, उसने कई बार क्या कर दिया, कोशिश कर दी रुमाल को चार दीवारी के बाहर फेंकने की, लेकिन रुमाल फिर से उड़ के वहीं उसके पैरों के नीचे। तो आफंती ठहाका मारकर हंसने लगा, आफंती जोर जोर से हंसने लग गया कि कैसा पहलवान है, एक रुमाल नहीं फेंक सक रहा है। अभी देखो, अब मेरी ताकत देखो, अब आफंती क्या कहता है,
कि अब देखो मेरी ताकत देखो, है ना, ये तो पहलवान की ताकत ही, वो रुमाल नहीं फेंक पाया। अभी क्या आफंती बोलता है मेरी ताकत देखो। तो आफंती ने एक छोटा सा पत्थर उठाया, रुमाल में उसको बांधा और दीवार के पार फेंक दिया। आफंती ने क्या किया, यहाँ पे देख रहे हैं आप, रुमाल को उठाया, उसमें एक पत्थर रखा और उसको देखो ये चार दीवारी के बाहर फेंक दिया। और ये सर पटक के क्या करने लग गया, रोने लग गया। कौन? पहलवान। तो बच्चों आपको पता चल गया होगा कि अकल बड़ी होती है या भैंस, ठीक है। तो सबसे ताकतवर चीज़ क्या होती है, अकल। क्या होती है, अकल। तो ये कहानी थी हमें लिखी हुई शिवेंद्र पांड्या। तो इस कहानी को बच्चों आज आपका यही काम है, इस कहानी को पढ़ेंगे और अपनी कॉपी पे इस कहानी को लिखेंगे। भले आप चित्र न बनाएं लेकिन इस कहानी को आप अपनी कॉपी पे आज लिखिएगा, अकल बड़ी या भैंस। और इस कहानी को पढ़िए, और जो आपके घर में छोटे भाई बहन हैं, बड़े भाई बहन हैं या आपके मम्मी पापा हैं, तो उनको ये कहानी सुनाइएगा।